ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का जर्नलिज्म का आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली. ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है. आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. बिग हैंड, बिग क्लैप. आई थिंक बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अबाउट जर्नलिज्म. द फिल्म इज नॉट अबाउट जर्नलिज्म. द फिल्म इज गॉट अ बैकड्रॉप ऑफ जर्नलिज्म. करेक्ट. बट एट द सेम टाइम टू ऑल ऑफ यू पीपल, ऑल द फोटोग्राफर्स, आई सी ऑल स्टैंडिंग इवन आउटसाइड प्रीव्यू थिएटर्स ऑल द टाइम, यू नो, इन द बैक इन दोज डेज. And for 2 to 3 hours without food, without water, I think it's really incredible the job that you all do. So big, big hand to all of you. Hi. I think मैं breakaway in terms of ये नहीं करना चाहता कि मैं romance छोड़ना चाहता हूँ. मैं rom-coms बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ और उनको भी नहीं छोड़ूंगा. But ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं बहुत attract हो रहा हूँ जिनकी तरफ. And I think वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए. So I think it's becoming a great mixture because of such a thought process maybe. And as actors हम लोग सब explore करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं. वही एक एक excitement होता है एक actor के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफकोर्स पिछले 2 में मेरे पास ऑफकोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई. तो वो चॉइसेस को मैं जितना जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद, यू नो, वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ.